Well, it's been a pretty eventful last few months for Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal. There was a very hectic campaign in Punjab, and certainly an expectation uh, on his side and on the Aam Aadmi Party side that they would win Punjab. That didn't quite go according to plan, and since then, uh, Mr. Kejriwal has been in the headlines uh, for making an accusation uh, that the electronic voting machines that were used in Punjab and in UP uh, were uh, rigged and uh, were uh, uh, were deliberately rigged uh, so that the AAP could lose. दट द बीजेपी गुड फॉर इंस्टेंस विन इन यू पी और दट द कांग्रेस गुड विन इन पंजाब दस बिन दट कॉन्ट्रोवर्सी एंड ऑल्सो क्रूशल बायपोल दट द आप हेज लॉस्ड जस्ट येस्टडे ब्रेकिंग हिज साइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंटरव्यू सिंस द पंजाब पोल्स इज मिस्टर केजरीवाल हिमसेल्फ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अर अरविंद केजरीवाल केजरीवाल जी हम आपसे आज बात कर रहे हैं कल राजौरी गार्डन का बायपोल का रिजल्ट आया और आज आपने कहा कि ये एक सीट का रिजल्ट है क्योंकि कैंडिडेट के खिलाफ बहुत गुस्सा था Uh, क्या ये खाली एक सीट का ही रिजल्ट है क्या ये खाली uh, एक कैंडिडेट के खिलाफ गुस्सा है हाँ हाँ। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के कामों को लेके बहुत पॉजिटिविटी है और ये मैं नहीं कह रहा आपके रिपोर्टर्स भी जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो भी बताते रहते हैं दिल्ली, ने, दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने दो साल के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए स्पेशली चार एरियाज में शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी इन चार एरियाज़ में जितना काम किया इतना काम किया है कि लोग बहुत खुश हैं राजौरी के केस में क्या हुआ कि चूंकि जर्नैल सिंह जी ने सिख समाज के लिए पहले काफी काम किया था वो पंजाब से चुनाव लड़ना चाहते थे वो पंजाब से चुनाव लड़े ये चीज राजौरी गार्डन के लोगों को पसंद नहीं आई उन्होंने उनके मन में यह चला गया कि हमें बीच में छोड़ के चला गया हमें बीच में छोड़ के चला गया और इसका बहुत ज्यादा गुस्सा था हमें पिछले दस पंद्रह दिन से जब कैंपेनिंग चल रही थी वहां से ये फीडबैक लगातार मिल रहा था कि जहां भी हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं वहां से ये फीडबैक आ रहा है तो राजौरी गार्डन के वोटर्स को हम लोग समझा नहीं पाए और वो गुस्सा कल उन्होंने निकाला बट ये कहना कि ये कोई ट्रेलर है एमसीडी चुनाव का आई थिंक ये थोड़ा

और मैं ये भी नहीं कहूँगा जर्नेल के खिलाफ गुस्सा ये कहना गलत होगा वो जो छोड़ के बीच में पंजाब चले गए और पंजाब से चुनाव लड़ा तो राजौरी गार्डन के वोटर्स के अंदर ये था कि हमें बीच में छोड़ के चले गए हमें बीच में छोड़ के चले गए ये केवल इतना है अगर आप इसको कंपेयर करें जैसे दिल्ली में जब पिछली विधानसभा के चुनाव हुए थे पिछली विधानसभा के चुनाव हुए थे 10 फरवरी के आसपास दो साल पहले और उसके 20 दिन पहले दिल्ली कैंट में चुनाव हुए थे दिल्ली कैंट में हम सारी सीटें हारे थे मतलब शायद पांच विधानसभा जीत गए और, और बीस दिन के अंदर हम विधानसभा की सड़सठ सड़ सीट जीत गए थे उस टाइम भी सारी मीडिया ने चलाया था कि ट्रेलर है कैंट की सारी सीटें हार गए ये तो बुरी तरह से हार रहे हैं ये माहौल है ऐसा नहीं लेकिन है। क्योंकि एमसीडी के पोल अभी आने वाले हैं कुछ दिन ही बचे हैं क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपको एमसीडी के चुनाव पे जरा सा बिल्कुल नहीं मतलब एक एक सेटबैक नहीं लगता आपको किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं बिल्कुल सेटबैक नहीं है आप, आप कितने कॉन्फिडेंट देखिए दिल्ली के, के बारे दिल्ली भी? दो चीजें हैं पहले दिल्ली के लोगों को लोग ये समझ रहे हैं मैं जहां भी जा रहा हूं दस साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर कूड़े का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने इतनी गंदगी इतनी गंदगी इतनी गंदगी दस साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में और अब तो तीन साल से, से सेंटर में भी है पिछले दो तीन साल के अंदर जितना गंद मचा है बीजेपी बीजेपी के शासन के दौरान और जितने मच्छर जितना डेंगू जितना चिकनगुनिया और ये सब हो रहा है डिस्पाइट इतना पैसा है इन लोगों के पास सारा पैसा खा जाते हैं इतना करप्शन है इतना करप्शन है, है अब दिल्ली के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो स्थिति एज इट इज रहेगी तो स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी तो स्थिति तो बदलनी है ना लोगों को सिचुएशन तो बदलनी है ना ये आज की जो दिल्ली की सफाई की सिचुएशन है एमसीडी के अंदर करप्शन की सिचुएशन है ये तो चेंज करनी है ना तो ये चेंज बीजेपी को वोट देने से नहीं होगी उसके कंपैरिजन में दिल्ली में लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दो साल में दो साल क्या होता है दो साल में कितना काम किया है बिजली के रेट कम कर दिए तो आप नौ कॉलोनियों के अंदर चुनाव आपकी सरकार पे एक तरह से एक मिड टर्म रेफरेंडम जैसा है रेफरेंडम नहीं कह सकते लेकिन हाँ दोनों चीजें लोग देख रहे हैं मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली के लोग दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे तो उनके सामने और है क्या वो ये देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार में इनको मौका दिया था इन्होंने कैसा काम किया वो देख रहे हैं बहुत अच्छा काम किया यू एडमिट इट विल बी रिफ्लेक्शन ऑन यू इन समे इन सम वे ये है कि दिल्ली के काम जो है हमारे दिल्ली सरकार के जो काम है उन दिल्ली सरकार के कामों को देख के ही दिल्ली के अंदर पॉजिटिव अगर आप हार गए आप वो मानने को तैयार हैं दैट इट वुड बी अ ऑन योर गवर्नमेंट देखना पड़ेगा अभी मैं जा रहा हूं आपके इसके बाद इलेक्शन कमीशन जा रहा हूँ वो जिस तरह की मशीनें लेके आए हैं फिर से दो हजार छ तीन जनरेशन मशीन है ईवीएम की एक है दो हजार छ से पहले मैन्युफेक्चर हुई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने कबाड़ियों को बेच दिया था दिल्ली के एमसीडी के चुनाव वो कबाड़ियों से मशीनें वापस ला उनसे करवाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2006 से पहले की मशीनें हम यूज नहीं करेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने कल बोल दिया उत्तर प्रदेश को कि 2006 से पहले की जो मशीनें हैं वो बिल्कुल कंडम है उन कंडम मशीनों से उन कबाड़खाने में गई हुई मशीनों से दिल्ली के एमसीडी के चुनाव करा रहे हैं क्यों करा रहे हैं तो आप कुछ तो इंटेंशन भी... खराब होगी उनकी तो आप इलेक्शन कमीशन से क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं भाई दो के पहले पहली चीज तो हम ईवीएम के खिलाफ है न बी मैनिपुलेटेड आई मीन इंजीनियर फ्रॉम आई टी खड़कपुर मैं भी समझता हूं कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है और इस देश के इस दुनिया के अंदर कितने लोगों ने कितनी चीजें हैक की है लेकिन चलो अब एमसीडी का चुनाव है टाइम कम रह गया लेकिन आप मशीने तो ढंकी लाओ ना वीवीपैट यूज कर रहे ना आप लेटेस्ट मशीन यूज कर रहे दो हजार छ से के बाद की जो मशीने मैन्युफैक्चर हुई है देश के सारे चुनाव उनको जनरेशन टू मशीन बोलते हैं देश के सारे चुनाव उनसे हो रहे हैं आप दो हजार छह के पहले की मशीनें ला रहे हो लेकिन आप आपने जो अभी कहा और और मैं ईवीएम से आपसे कई सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन व्हाट यू जस्ट सेड इट साउंड्स लाइक आप एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर आप एमसीडी चुनाव जीत गए तो इट इज अ रेफरेंडम ऑन योर गवर्नमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस लेकिन अगर आप हार गए तो ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है दोनों सच्चाइया है सच्चाई यह है कि ईवीएम के ऊपर आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है ऐसा क्यों है कि भिंड के अंदर एक ईवीएम की मशीन निकलती है कोई भी बटन दबाओ और सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं धौलपुर के अंदर अठारह मशीनें निकलती हैं कोई भी बटन दबाओ सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं कह रहे हैं मशीने खराब कि क्या इन्वेस्टिगेट क्या किया वो बताते क्यों नहीं है वो बताएं कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला सॉफ्टवेयर के अंदर वो हुआ था हार्डवेयर के अंदर गड़बड़ निकली क्या गड़बड़ निकली एक मशीन ने बीस पत्रकारों के सामने कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था चुनाव आयोग कह रहा है हमने मशीन की जांच कराई मशीन की जांच में क्या निकला कुछ तो बताओ तो आप मुझे बताइए जनपुर के अंदर अठारह पूरे देश के अंदर मशीनें जहां भी गड़बड़ मिल रही हैं उसमें गड़बड़ सारी यही निकल रही है कि बीजेपी को वोट जा तो रहा है आ, आप मुझे बताइए अब इलेक्शन कमीशन ने बोला है दैट ओपन आर मशीन एनी वन इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बोला दे दे हैव सेड दिखाओ प्रेस रिलीज उनकी वो कह आप कह रहे ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है मीडिया में मीडिया में तो स्टेटमेंट आया उनका तो आप तो कुछ भी चला देते हो नहीं क्यों मीडिया का स्टेटमेंट आया मीडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट आया दैट वी आर विलिंग टू की नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ मे में कोई भी आके हैक कर ले ढूंढ लिया सारे आप दिखा दो मेरे को कहां स्टेटमेंट बट उनका उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे रिपोर्टर्स को दिया सबको दिया रिपोर्टर ने पीटीआई की स्टोरी चलाई है नहीं हमारे रिपोर्टर ने अपनी स्टोरी चलाई है आप सोर्सेज करके चलाई है नहीं इलेक्शन कमीशन ने बोला है दिखाई है और, कमें, तो कमें, आपको है? को कोई आप कह रहे हैं आपको कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं दिखाया हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि तो अच्छा चलिए मानिए कि वो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ मेवी वी आर थ्रोइंग आउट मशीन ओपन कोई भी आके हैक कर ले आर यू गोइंग टू गो एंड टेक अप दैट चैलेंज सब लोग जाएंगे आप उनको दिखा देंगे आप दिखाएंगे उनको आप देखते जाइए आगे दस दिन में क्या क्या होता है

तो आप कह रहे हैं कि अगले दस दिन में आप सबूत दिखाएंगे कि ईवीएम कैसे हैक होता है जस्ट जस्ट वेट वेट एंड एंड वॉच वॉच सबसे पहले <laughs> आप ही को बताएंगे बट आप मुझे ये अब एमसीडी के चुनाव पे बात करते हैं चुनाव का टाइम है नहीं बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हैकिंग ऑफ ईवीएम आई मीन यू आर एन आईआईटी ग्रेजुएट हाउ हाउ कैन इट हैपन मतलब अगर इतने स्केल पे आप की बात कर रहे हैं इट वुड नॉट जस्ट इन्वॉल्व अ फ्यू पीपल इन अ पोलिटिकल पार्टी और सम ऑफिशियल्स दैट वुड इन्वॉल्व तो बता सकता हूँ क्या करते हैं है, है? आपसे पूछता हूँ उसमें एक चिप लगती है चिप दो कंपनियां बनाती हैं. एक यूएसए की एक जापान की कंपनी है यूएसए की माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जापान की कंपनी रेनासा करके कोई है उस चिप के अंदर सोर्स के ऊपर प्रोग्राम में एक ट्रोजन हॉर्स डाल दिया जाए उस प्रोग्राम के अंदर एक बग डाल दिया जाए आपको तो पता ही नहीं चलेगा कोई मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है किसी को पता नहीं है तो आप आप कह रहे रहे से 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 ही से मैं, ही। कंपनी मैं आपको एक मैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है मैं आपको दस तरीके बता सकता हूं कैसे हो सकता है अगर सोर्स के ऊपर ट्रोजन हॉर्स डाल दिया अगर सोर्स के ऊपर आपने एक बग डाल दिया अब ये इलेक्शन कमीशन ने आरटीआई का जवाब दिया है किसी को बिकॉज इन दीज डेज वी गॉट इन टच विद मेनी पीपल उनसे किसी ने आरटीआई में पूछा इलेक्शन कमीशन से कि जो चिप वहां से बनके आती है आप उसमें पढ़ते हो कि उन्होंने क्या कोड डाला है तो इलेक्शन कमीशन कहता है वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीड दैट कोड ये बड़ा स्ट्रेंज But है इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि आर प्रूफ दे आर नॉट लाइक तो कर वो, कर वो ये है। कहता है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता उस पर लिखा नहीं जा सकता ये कहता है ना तो वहां से जो कोड डल के आया किसी को पता ही नहीं उन्होंने डाला क्या तो मान लो उस कंपनी को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया और उसने सारी चिप्स में कोड डाल दिया एक बट कंपनी को बाहर की कंपनी को इन्फ्लुएंस करना सम पीपल वुड से दैट साउंड्स वेरी फार फेच्ड बाहर की कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े स्कैम हुए बोफर्स हुए फलाना हुए डिमका हुए पनामा आइलैंड हुए स्विस बैंक हुए सारे बाहर के ही थे आ, के जी, एक चीज मैं आपको दस तरीके पर एक बार वेट एंड वॉच दस तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए ईवीएम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है तो बाय इन्फ्लुएंसिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन कमीशन बार बार क्यों कह <coughs> रहा है कि दे आर प्रूफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए कि जनता के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया जा सके जैसे मान लीजिए जो जो मशीनों के ऊपर असम के अंदर एक मशीन निकली सारे वोट बीजेपी को जा रहे भिंड में एक मशीन निकली सारे वोट बीजेपी को जा रहे दिल्ली कैंट में चुनाव हुए सारे वोट बीजेपी को जा रहे धौलपुर के अंदर अट्ठारह मशीनें निकली सारे वोट अगर इनकम इन, इनके वो एक्चुअली टेक्निकल जांच करा के रिजल्ट रख देता सबके सामने देश के सामने भाई ये गड़बड़ मिली है एक कॉन्फिडेंस आता जब भी कुछ होता है इलेक्शन का कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ मशीन ठीक है कुछ नहीं हुआ मशीन ली है फिर लगता है यार इलेक्शन कमीशन तो गड़बड़ कर रहा है

चुनाव कराने का नाटक करके बीजेपी को सत्ता में पहुंचाना चाहता है ये तो बहुत बड़ी एलिगेशन है तो बॉडी है और आप, आप को के को के इस देश हैं के रिगिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम वल्नरेबल है मैं नहीं कह रहा नहीं ईवीएम वलनरेबल एक बात है बट कहना कि इलेक्शन कमीशन इसमें है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है इस देश के लोगों के विश्वास को पूरे प्रोसेस के अंदर रिस्टोर करना इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं स्टेप्स ले रहा उसके विश्वास को रिस्टोर करने के लिए इन मशीनों में क्या गड़बड़ है जांच करके क्यों नहीं बताता इन मशीनों में क्या गड़बड़ है लेकिन आप वो नहीं... हर चीज तीन दिन के बाद देता है नहीं नहीं मशीन ठीक थी तो वो जो पत्रकार खड़े थे बीस पत्रकार मध्य प्रदेश के अंदर जिनके सामने ईवीएम में गड़बड़ निकली वो बेवकूफ है वो सारे अपने वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं वो बेकूफ है धोलपुर के अंदर अठारह मशीन निकली आप, आप मुझे बताइए रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट है हम नहीं कह रहे सरकारी ऑफिसर की रिपोर्ट है अठारह ऑफिसर्स की रिपोर्ट है रिटर्निंग uh, ऑफिसर्स की रिपोर्ट है कि गड़बड़ है मशीन है वो सारी झूठ है नहीं नहीं आप मुझे एक बात जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे कुछ दिन पहले शायद पांच छह दिन पहले आपने तब ट्वीट किया था वेन यू वन सिक्सटी सेवन आउट ऑफ सेवेंटी सीट्स आपने ट्वीट किया था कि शायद ईवीएम टैंपरिंग हो रही है वो जो आपने दिल्ली कैंट का एग्जाम्पल दिया उसके बाद आपने चुनाव जीता यू वन हैंड्स डाउन बट आपने ईवीएम टैंपरिंग का कोई एलिगेशन नहीं लगाया और आपसे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपका यही होता है कि क्या जब आप इतनी सीटें जीते दिल्ली में

झारखंड मेंस्यू तो हम, तो हम तो कह रहे हैं आप करवा लेते पेपर बैलेट से आप पेपर बैलेट से कराओ मेरा ये कहने का मतलब है कि जब सबूत आएंगे अगर आप सबूत आ रहे हैं सबूत इस तरह के आ रहे हैं इतने सॉलिड सबूत आ रहे है कि पुणे के अंदर एक कैंडिडेट उसको जीरो वोट मिले वो कह रहे जी मैं अपना वोट तो डाल के आया था मेरे परिवार के चार वोट अमरिंदर तो सिंह कहते हैं अगर अगर ऐसा होना ही था तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं होता पे अकाली बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होता ही इज नॉट विद दिस टेम्परिंग थ्योरी वो तो सारे लोग जानते हैं कि उनका मकसद था किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का अगर अकालियों को वो जिता देते तो ऑब्वियसली कोई भाई चोर भी जब चोरी करता है तो थोड़ा ऐसे करता है ना कि शक ना पैदा हो जाए चोर भी जब चोरी करता है तो ऐसे करता है कि उसके ऊपर सारा देश ना खड़ा हो जाए अकाली को अगर जिता देते और अकाली को मेजोरिटी मिल जाती तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता तो थोड़ा एनसीडी आप... पे भी बात कर लेते हैं <laughs> हर ये बहुत ज्यादा आधे घंटे <laughs> का इंटरव्यू है नहीं मैं आपसे पंजाब के बारे में पूछना चाहती हूँ ईवीएम को छोड़कर क्या सी वन ऑफ द क्रिटिसज्मेटिंग सो कॉट अप इन दिस ईवीएम राव यू आर नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन नॉट डन वी मेड मिस्टेक्स अगर आपका ईवीएम गड़बड़ है जिसके बहुत बड़े बड़े सबूत आ रहे हैं वी कांट क्लोज आराइज टू दैट यू कांट से नो 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 आप अपने अंदर झाँक के देखो और ईवीएम सारी ठीक है अगर पुणे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है जी मेरा वोट कहाँ गया अगर भिंड के अंदर 20 पत्रकारों के सामने मशीन केवल बीजेपी को वोट दे रही है धौलपुर के अंदर 18 मशीनें केवल एक मिनट हाँ। केवल बीजेपी को वोट दे रही है विकॉन्ड टू दिस यार हमारे इसके उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सारे इलाकों के अंदर गड़बड़ियां हैं निकली हैं इस तरह की जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं इनका about... जवाब इनका जवाब तो चाहिए हमारे अंदर, हमारे अंदर सौ हमारे अंदर सौ गलतियां हमारी पार्टी है हम अंदर बैठ के अपने तय कर लेंगे हम ने... अपने अंदर बैठ के कर लेंगे नहीं, लेकिन... लेकिन अगर ईवीएम के क्वेश्चन ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं इन क्वेश्चन के देश को जवाब चाहिए मगर आपने कहा आपने सौ गलतियां करी पंजाब में पंजाब में क्या गलती आपको क्या लगता है आपको पता गलती थोड़ी है हम अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे नहीं क्यों आप तो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछ रहे हैं गोवा में क्या परफॉर्मेंस के ऊपर आप चर्चा करो ना कि दिल्ली के अंदर हमने क्या काम किया हमने नहीं गोवा में क्या गोवा में जो भी हुआ हम अपने अंदर बात करेंगे हम अपने अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे इस यू कांट ब्रश असाइड द ईवीएम टेम्परिंग बाय सेइंग कि गोवा में आपका क्या हुआ पंजाब के अंदर क्या हुआ आपकी पार्टी की क्या गलतियां हुई एक हजार गलतियां हुई हमारी पार्टी की हम अंदर बैठ के अपना डिस्कस करेंगे इसका मतलब यह थोड़ी कि ईवीएम की चर्चा करना बंद कर देंगे नहीं अगर नहीं इस देश के अंदर ईवीएम अगर ईवीएम की चर्चा ना करें बट बिकॉज यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड आप एक यू आर अ पार्टी दैट ऑल्सो प्राइड इट सेफ ऑन इट्स ट्रांसपेरेंसी तो आपने क्या आई एम आस्किंग यू वेदर वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव फॉर यू टू ओनली फोकस ऑन ईवीएम बट श्योर टेक अप द ईवीएम इश्यू ऑन वन हैंड बट शुड यू ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन वट पोलिटिकल मिस्टेक्स यू पार्टी में हैव मेड अपनी पार्टी के अंदर करेंगे ना कुछ चीजें हमें पार्टी के अंदर करनी होती है कुछ चीजें बाहर करनी होती है हमारी जो भी गलतियां थी हम पार्टी के के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे तो एमसीडी तो, तो, के बारे में बात करते हैं दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सिविक पोल बिकॉज ये एक नॉर्मल सिविक पोल नहीं है इसमें तो अब आप बड़े बड़े पर्सनालिटीज आके कैंपेन कर रहे हैं खुद अमित शाह ने बीजेपी के बारे में अमरिंदर सिंह कैंपेन करेंगे कांग्रेस के लिए यू नो दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिविक इलेक्शन वाई सो मच इट्स टेक फॉर एमसीडी उनसे पुछो। उनसे पूछो पूछो हमारे तो वही लोग हैं वही कैंपेनिंग कर रहे हैं दिल्ली के लोग ही कैंपेनिंग कर रहे हैं वो इतने बड़े बड़े लोगों को उतार रहे हैं तो उनका सारा मकसद किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को हराने का है जितना फोकस वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से चुनाव के दस दिन पहले इन्होंने एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद झूठे आरोप झूठे मनीष के ऊपर तीन एफ कर दी सतेंद्र जैन के ऊपर चार एफ कर दी इनका मकसद क्या है हमें तोड़ना चाहते हैं ये हमें झुकाना चाहते हैं ये कि किसी तरह से टूट जाएंगे लोग दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है हमने मोटे मोटे तौर पे पांच किस्म के माफिया के ऊपर बहुत बड़ा माफिया था इनको खत्म किया दिल्ली से बिजली कंपनियों का माफिया था हर साल बिजली के रेट बढ़ देते थे दो साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए बिजली के रेट आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है टैंकर माफिया था उत्तम नगर में 400 टैंकर रोज जाया करते थे आज केवल दो या तीन टैंकर इमरजेंसी में जाते हैं घर घर के अंदर पानी पहुंचाया है तीन कॉलोनियों के अंदर दिल्ली के अंदर पानी पहुंचाया है द्वारका में बवाना में संगम विहार में देवली में बहुत सारी कॉलोनियों में शिक्षा माफिया था ये जितने बड़े बड़े टॉप के स्कूल हैं बड़े बड़े टॉप के कॉलेज हैं ये किसके हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के हैं डोनेशन लेते हैं अंडर हैंड पैसा लेते हैं खूब धंधा चलता है मनीष ने दो साल के अंदर पैसे नहीं बढ़ाने दिए स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाने दी जिन जिनको सरकार से जमीन मिली हुई थी ऐसे ऐसी छोड़ डोनेशन का सिस्टम बंद कर दिया मनीष ने दिल्ली के अंदर ये ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोगों को चौथा बड़े बड़े ठेकेदारों का माफिया था जैसे अभी हमने एक फ्लाईओवर बनाया सवा तीन सौ करोड़ का फ्लाईओवर बनना था हमने दो सौ करोड़ में पूरा कर दिया पहले सवा तीन सौ करोड़ का फ्लाईओवर होता था तो हजार करोड़ में बनता था पूरे ठेकेदारों का ऑफिसर्स का और पॉलिटिशियंस का नेक्सस था इसको तोड़ा है दवाइयों का ड्रग माफिया था बहुत बड़ा इसको तोड़ा हम लोगों ने इतने बड़े बड़े माफिया को जब हम तोड़ रहे हैं इतने बड़े बड़े माफिया को दो साल में खत्म किया हम लोगों ने ये चुप नहीं बैठने वाले ये सब हमें एक जस्ट जस्ट तो, तो ये सब चुप नहीं बैठने वाले इन सब को पॉलिटिकल संरक्षण है बीजेपी और कांग्रेस का ये उनके पास दौड़े दौड़े गए हैं और वो आज अगर मैं दो साल के अंदर पैसे कमाने शुरू कर देता मैं इनके सबके बिजली कंपनियों से मिल जाता ड्रग माफिया से मिल जाता थोड़ा मैं कमाता थोड़ा ऊपर बीजेपी कांग्रेस वालों को भेजते, सारे खुश रहते हैं लेकिन कोई लेकिन मेरे खिलाफ एफ नहीं होती भी आप देख हैं। थे जो वट एवर यू लिस्टेड एज विल नॉट आर्ग्यू दैट देर इज लॉट ऑफ गुड वर्क हैज बिन डन इन डेली लेकिन बिजनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग लाइक अदर जर्नलिस्ट हाँ गुस्सा लोकल आई डोंट नो वो पता चलेगा एमसीडी में नहीं मुझे नहीं पता है जनता खुश है कि नहीं बट आई थिंक मैं नहीं मैं कह रही हूँ कि अच्छा, काम भी किया अच्छा है लेकिन नहीं, 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 आप नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा था आपने गलतियाँ क्या करी हैं नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दस साल में बीजेपी ने एमसीडी में जो काम किए एक काम बता दो मुझे क्या अच्छा काम किया आप मुझे गलती कर मुख्यमंत्री आप हैं है तो है। मुख्य है, मैं तो नहीं मैं आपसे सिर्फ मैं आपको आपसे आप ये पूछना चाहता हूँ कि दस साल में बीजेपी ने मैंने तो इतने काम गिना दिए हमने ड्रग माफिया खत्म किया शिक्षा सुनो आप, तो सही बिकॉज यू

हमने शिक्षा माफिया इतने सारे माफिया की जकड़ जो थी सिस्टम पे वो खत्म की हम लोगों ने मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और दर्शकों से ये पूछना चाहता हूं कि दस साल में बीजेपी की सरकार है एमसीडी में एक काम बता दो जो बीजेपी ने आपके लिए अच्छा किया हो एक काम कुछ भी नहीं किया आप उन्होंने आप केवल, और केवल, केवल और केवल बीजेपी को लूटा है ऑडिट की रिपोर्ट है कि 2000 करोड़ रुपए का पिछले 10-15 साल में उन्होंने घोष्ट एम्प्लॉयज़ घोष्ट पेंशनर्स को पैसा दिया मतलब तनख्वा देने के पैसे नहीं है उनको सरकारी कर्म ये बेचारे जो सफाई कर्मचारी हैं हर तीसरे महीने इनकी हड़ताल होती थी आप लेकिन आपके खिलाफ ये क्रिटिसिज्म है कि आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है एडवर्टाइजिंग पे अभी एलजी ने आपको बोला है कि 97 सेवन करोड़ आप वापस कीजिए यू हैटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन गवर्नमेंट अदर वॉजर वॉज वेदर यू शुड बन स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स मनी ऑन हायरिंग राम जेठ मलानी एज लॉयरूब ये दो तो सबसे रिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशीज है ये दो तो बता दीजिए वन करोर्स द टोटल एड बजट स्पेंट इन टू इयर्स तो इसका मतलब वो जो कहते थे पांच सौ छब्बीस करोड़ यूज किए पांच सौ वो तो नहीं है ये तो क्लियर हो गया ये खुद ही कह रहे हैं आप ही ने कहा नाइन्टी सेवन करोड़ एल जी ने बोला है तो एल ठीक ही बोलता होगा एल जी नाइन्टी सेवन करोड़ दो साल में दो साल में नाइन्टी सेवन करोड़ रुपीज हमने खर्च किए अब वो नाइनटी सेवन करोड़ में क्या कसूर है कहते केजरीवाल ने अपनी फोटो लगाई है सेल्फ प्रमोशन किया है मेरे वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है की लगा सकते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पूरे देश में अगर केजरीवाल की फोटो लगाने पे केजरीवाल से 97 करोड़ मांग रहे हो तो सारे मुख्यमंत्रियों से मांगो ना फिर प्रधानमंत्री से भी मांगो ना प्रधानमंत्री के तो हर एड पे होते हैं फोटो बीजेपी से भी मांगो पैसे वापस नंबर एक नंबर दो कहते हैं दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर एड दिए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स आप अभी अगर सड़क पे जाओगे आपको हरियाणा गवर्नमेंट के भी दिल्ली में ऐड मिलेंगे यूपी गवर्नमेंट के भी ऐड मिलेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी मिलेंगे अलग अलग रीजंस की वजह से सरकारें अपने अपने ऐड जो है दिल्ली के अपने अपने स्टेट के बाहर देती हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा कि यह वायलेशन है उसका इन्होंने पूरा बिल बना दिया अभी बोलेंगे चुनाव हो जाए फिर बोलेंगे उनको जो भी बोलना है तो ये सारे जितने जो भी आरोप लगाए आप खुद ही बताओ इस वैलिड रीजन क्या आप तो ये पॉलिटिकल है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरा का पूरा करोड़ नाइन्टी केजरीवाल अपने एड दिए थे तो आम आदमी पार्टी जस्टिफाइड फॉर यू टू स्पेंड टैक्स मनी ऑन योर केस विद मिस्टर जेटली अब उसमें समझ लीजिए थोड़ा सा दिल्ली के अंदर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत भ्रष्टाचार है ये मैं नहीं कह रहा आप कोई भी दिल्ली के अंदर जितनी भी क्रिकेट की टीम्स हैं जितने भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं उनसे पूछ लीजिए सिलेक्शन के अंदर कितना भ्रष्टाचार है मैंने उस भ्रष्टाचार के ऊपर इंक्वायरी बिठाई वी वॉन्टेड टू क्लीन अप द एंटायर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और मैंने कहा कि इसके इंक्वायरी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं उनका मैंने एक आध का नाम लिया अब अगर वो आदमी क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं मैंने इंक्वायरी बिठाई इंक्वायरी बिठाने के ऊपर किसी ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन कर दिया तो ये मेरा पर्सनल केस है मेरा पर्सनल केस कैसे हो गया एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने इंक्वायरी बिठाई एज ए चीफ मिनिस्टर मैं दिल्ली के क्रिकेट के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं अगर उसमें अगर वकील लगेगा तो वकील का पैसा तो सरकार ही देगी ना मैं कहां से दूंगा नंबर मिनट मिनट वो गवर्नमेंट लॉयर ही है जब उसको आप हायर करते हो वो गवर्नमेंट लॉयर बन जाता है डेढ़ साल से जेठ मलानी साहब इसमें अपियर हो रहे हैं अब चुनाव के दस दिन पहले इनको याद आया उसका डेढ़ साल से वो अपियर हो रहे हैं राम जेठ मलानी साहब अरुण हिज़ ओन मनी फॉर उन्होंने मेरे ऊपर किया है उन्होंने किया है तो वो खुद ही पे करेंगे पर उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर मेरे ऊपर किया है क्योंकि मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी बिठाई है क्रिकेट के भ्रष्टाचार के ऊपर तो मेरा पैसा तो सरकार ही देगी ना और जेठमलानी साहब अच्छे वकील हैं उनका पैसा सरकार दे रही है व्हाट इज रॉन्ग इन इट

कल को अगर अच्छा लॉयर नहीं रखेंगे तो आप इसी के ऊपर कहोगे केजरीवाल मिल गया इन भ्रष्टाचारी क्रिकेटर्स के साथ और अच्छा लॉयर नहीं रखा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो लोग जो आपके क्रिटिक्स हैं जो एनालिस्ट हैं कमेंटेटर्स हैं दे बिलीव दैट आप हैज बिगिनिंग टू अनरेवल आफ्टर पंजाब दिस ई कंट्रोवर्सी रजौरी गार्डन दैट द शीन द शीन इज वेयरिंग ऑफ आप उनको क्या कहेंगे जनता अब तय करेगी जनता को तय करना है हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो जनता तय करेगी जो जनता जिम्मेदारी देगी वो हम करेंगे पर एक चीज बता देता हूं कि आज दिल्ली के अंदर दो साल में जितना काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और जितने बड़े बड़े लोगों से पंगा लिया है इस दौरान मुझे नहीं लगता कि आप शिवराज सिंह चौहान की पंद्रह साल की सरकार है उनके पंद्रह साल और हमारे दो साल कंपेयर कर लो आठ हजार क्लासरूम मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों में बनाए हैं आठ हजार क्लास का मतलब रफली हो गया दो सौ स्कूल मैं चैलेंज करता हूं शिवराज सिंह चौहान ने पंद्रह साल के अंदर भी दो सौ स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में बनाए होंगे दो सौ सरकारी स्कूल बनाए जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं उनमें स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं हेल्थ सिस्टम सारा इंप्रूव हो रहा है दिल्ली में के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है ये छोटी चीज नहीं, नहीं है पता है कि जब आप दिल्ली जीते हैं और ये मेरा आखिरी सवाल है यू वन बिकॉज अ लॉट ऑफ कांग्रेस वोटर्स शिफ्टेड टू दी आम आदमी पार्टी अगर आप रजौरी गार्डन का रिजल्ट देखें अगेन वन सीट बट कांग्रेस हैज रियली कम बैक उनका वोट शेयर काफी बड़ा है डजन दैट कंसर्न यू दैट दो पीपल हु यू नो वंस वोटेड फॉर यू आर गोइंग बैक टू द कांग्रेस डजन दैट टेल यू समय क्यों जाएंगे कांग्रेस के पास वापस मैं पूछ रहा हूँ नो रीजन देर इज नो रीजन बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जैसे अभी अभी आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने काम तो किए हैं, तो है। दिल्ली सरकार ने काम किए हैं लोग खुश हैं, है। तो दिल्ली सरकार के लोग खुश है। मैंने कहा आई डोंट नो मैं आपकी बात आपकी बात से, ले, ले, मैं आप बात से <laughs> एक कदम आगे बढ़ा लेता हूं हाँ, आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने काम तो किया सब लोग मानते हैं तो काम किए हैं तो नेचुरल है की लोग खुश होंगे बट ये भी कहते हैं कि कंट्रोवर्सी भी है तो आप पांच साल है मैं कहता हूं अभी सीसीटीवी के ऊपर काम चल रहा है वाईफाई के ऊपर काम चल रहा है पाँच साल है दो ही साल हुए हैं अभी पूरे सारी चीजें वापस पूरी कर आपने कहा जनता डिसाइड करेगी सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द एमसीडी इलेक्शंस अरविंद केजरीवाल थैंक यू सो मच टू स्पीक फॉर स्पीकिंग टू अस टुडे थैंक यू